Welcome everyone once again. This is Body Engineer Neeraj, Fitness Education Channel. और आज इस वीडियो के अंदर हम मसल ग्रोथ पार्ट टू जो है सीरीज का वो हम कर रहे हैं. इसमें मैं आपको तीन डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा. जैसे पार्ट वन अगर आपने देखा होगा, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसके लिंक के अंदर देख सकते हैं पार्ट वन भी, और मैं पार्ट थ्री भी इसमें अपलोड करूंगा तो वो भी आप देख सकते हैं. तो पार्ट टू जो है वो आज हम करेंगे, जिसमें तीन फैक्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपकी मसल को ग्रोथ करने के लिए. उसमें से सबसे पहला है मसल टेंशन. जो आप मसल के ऊपर एक मैकेनिकल टेंशन देते हैं वो किस तरीके का होना चाहिए. सेकेंड है वो है मसल डैमेज. और जो तीसरा मेन फैक्टर है वो है मेटाबॉलिक स्ट्रेस. तो ये तीनों जो फैक्टर्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप अपनी मसल्स की ग्रोथ करना चाहते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों. मस्कुलर टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है अपनी मसल को ग्रोथ करने के लिए. इसका ये मतलब है कि आप जब भी मसल को यूज़ करना है तो मसल को आप कितना इंटेंसिव यूज़ करेंगे, कितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, किस तरीके का वेट उठाएंगे ताकि आप अपनी मसल के ऊपर मैक्सिमम एफर्ट लगा सकें, मैक्सिमम टेंशन दे सकें. जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो ज़्यादा मस्कुलर होते हैं पावर लिफ्टर्स से, बट पावर लिफ्टर्स वजन ज़्यादा उठा लेते हैं. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मसल के ऊपर टेंशन देना है उसके अंदर आपको मास्टरी करनी है, क्योंकि मसल टेंशन एक अलग चीज़ है. और स्ट्रेंथ के लिए अपनी बॉडी से फोर्स जनरेट करना एक डिफरेंट चीज है. यहां पे आपको अपने इस स्किल को, जो मस्कुलर टेंशन का स्किल है, मसल को टेंशन देने का स्किल है, उसको मास्टर करना पड़ेगा, जिससे आप अपनी मसल्स को ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाए. कैसे आप अपनी मसल के ऊपर लोड बढ़ा सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल के लिए ड्रॉप सेट कर सकते हैं आप. एक ही मसल का आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके अंदर आप वेट को धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे और उसके रेपिटेशंस कंटिन्यूअसली विदाउट स्टॉप करते चले जाएंगे. इस तरीके से आप मसल लोड बढ़ा सकते हैं, मसल के ऊपर जो टेंशन है वो बढ़ा सकते हैं. सेकंड तरीका ये हो सकता है कि एक ही मसल को डिफरेंट एंगल से हिट करना. ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है आपकी मसल्स के ऊपर जो टेंशन है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने का. तीसरा तरीका ये हो सकता है, और बहुत सारी स्टडीज़ के अंदर भी ये पाया गया है कि जो अगर हम एक कंसेंट्रिक फेज होता है मसल के लिए और एक ईसेंट्रिक फेज होता है जब हम वापस जाते हैं, तो जो ईसेंट्रिक फेज है उसको स्लो डाउन कर दें. अगर आप ईसेंट्रिक फेज को स्लो डाउन कर देते हैं, मतलब ईसेंट्रिक फेज पे आप टाइम ज़्यादा लगाते हैं अपनी रेंज ऑफ मोशन को कंप्लीट करने के लिए, तो इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ सकता है आपकी मसल की ग्रोथ के लिए. और साथ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा रेंज ऑफ मोशन आप पूरी करें, क्योंकि अगर आप पार्शियल रेपिटेशंस करते हैं और आप कुछ जो मूवमेंट्स हैं अपनी मसल के लिए वो पूरी नहीं कर पाते हैं, तो भी आप अपनी मेन मसल जिनके लिए आप वर्कआउट कर रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं कर पाएंगे. तो रेंज ऑफ मोशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है मसल टेंशन को बढ़ाने का. दूसरा है यहाँ पे मसल डैमेज. मसल डैमेज करने का ये मतलब है किसी भी मसल के लिए आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी वो मसल आपके सेशन के बाद एक या दो दिन तक कम्प्लीटली सोर रहनी चाहिए. अगर वो सोर रह रही है तो इसका मतलब यह है कि आपने कम्प्लीट मसल डैमेज किया है. अगर इसकी साइंस के हिसाब से बात करते हैं तो माइक्रो टियर हो जाते हैं मसल्स के अंदर जब आपकी मसल सोरनेस पे चली जाती है. तो इसका मतलब यह है कि आपने अपनी एक्सरसाइज से अपनी मसल के अंदर माइक्रो छोटे छोटे टियर करे हैं, और ये छोटे टियर्स जब होते हैं तो ही हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स होती हैं वो एक और टिश्यू रिलीज करते हैं जिनको सेटेलाइट टिश्यूज कहते हैं, जो हमारी उन माइक्रो टीयर्स के ऊपर जाके चिपक जाते हैं, जिस कारण से आपकी मसल का हाइपरट्रॉफी मतलब सेल वॉल्यूमाइजेशन होता है. आपका मसल मास गेन करने का जो गोल है वो आप बहुत आराम से अचीव कर सकते हैं. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हर एक्सरसाइज में, हर सेशन के अंदर आपको अपनी मसल्स को अच्छे से डैमेज करना है. डैमेज करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप कोई इंजरी खा लें या ओवर ट्रेनिंग कर लें.
जैसे मैंने पार्ट वन के अंदर आपको फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी और वॉल्यूम के बारे में बात करी थी, उसको मिलाते हुए आपको यहाँ पे मसल के ऊपर इफेक्टिव वे से टेयर भी करना है, ताकि आप अपनी मसल्स की ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा कर सकें। जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया था कि आपके सैटेलाइट टिश्यूज एक्टिवेट हो जाते हैं और आपका उस मसल के ऊपर जाके चिपक जाते हैं, और अब मसल की एक ऐसा फिनोमिना है कि मसल जितना टियर करेगी उतने ही ज्यादा सैटेलाइट टिश्यूज एक्टिवेट होंगे, और सैटेलाइट टिश्यूज जब एक्टिवेट होंगे तो मसल के ऊपर जाके जुड़ जाएंगे, चिपक जाएंगे, और चिपकने के कारण अब मसल और सक्षम हो जाती है ज्यादा वजन लेने के लिए या ज्यादा स्ट्रेस लेने के लिए। ऐसे ही आपको हर सेशन के अंदर या एक या दो वीक के अंदर आपको अपने प्रोग्रेसिव लोड को बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि आप अपनी मसल को सोर होता हुआ देखें, और ये जो सोरनेस है आपके मसल हाइपरट्रॉफी के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। तीसरा है यहाँ पे मेटाबॉलिक स्ट्रेस। इसका ये मतलब है कि अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि आप अगर कभी भी कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करने के दौरान आपने कोई भी एक्स अमाउंट ऑफ वेट उठाया, तो वेट उठाने के अगर एज्यूम कर रहे हैं आप 12 रेपिटेशंस, मान लीजिए 12 रेपिटेशंस तक आपने एक्सरसाइज करते रहे, और करने के बाद आपके जो लास्ट के दो रेपिटेशंस हैं वो उनको लगाने में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। अगर मुश्किल हुई विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, टेक्निक का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया आपने, मुश्किल हुई, कोशिश करिए एक या दो रेप्स और लेके जाइए, क्योंकि इस तरीके से आप अपनी मसल को ट्रेन करेंगे, वो आपकी बॉडी के अंदर लैक्टेट या हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा बढ़ाएगी, जो आपकी मसल को ज़्यादा डैमेज भी करेगा और साथ ही आपकी मसल को ज़्यादा स्वेलिंग करेगा, सोरनेस देगा, वो आपको अगेन मसल हाइपरट्रॉफी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। इसमें एक चीज़ और बात है कि अगर आप प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं या आपके ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करने की बात करते हैं बॉडी के, तो अगर आप अपनी मेटाबॉलिक स्ट्रेस को अपने सेशंस के अंदर, अपनी ट्रेनिंग के अंदर वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे बढ़ाते रहेंगे, तो एक ये बहुत ही बड़ा कारण बन सकता है आपके प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का, और साथ ही आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करने का, जो क्या करेगा, आपकी मसल हाइपरट्रॉफी मतलब आपकी मसल ग्रोथ करने का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाएगा। तो ये थे तीनों के तीनों फैक्टर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं किसी भी टाइप की ट्रेनिंग में अगर आपने अपनी मसल्स की ग्रोथ करनी है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही है, और मैं जल्द ही थर्ड वीडियो भी, जो इस सीरीज का थर्ड वीडियो है, वो अपलोड करूंगा। वो रहेगा क्या न्यूट्रिशन या क्या सप्लीमेंट्स आपको लेने चाहिए जिससे आप अपनी मसल की ग्रोथ और प्रिजर्वेशन बढ़िया कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए इसको, और अगर आप इससे रिलेटेड किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे सपोर्ट मिलेगी इस चैनल को, और मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जो लेटेस्ट टॉपिक्स हैं, जो लोगों को बहुत सारे मिथ हैं इस फील्ड के अंदर, वो मैं क्लियर कर सकूँ। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।